हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1। ये प्रथम पाठ है ये संस्कृत का, मधुरा प्रभात वेला। ठीक है, मधुरा प्रभात वेला का मतलब होता है सुहावनी सुबह। ठीक है, सुहावनी सुबह को मधुरा प्रभात वेला बोला जाता है। फिर बाद में चित्राणी, नेक्स्ट है आपका चित्राणी दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयते। ठीक है, तो ये आपको क्या कहे, आपको जो चित्र देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, मीन्स भरने हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है ये, तो ये किस चीज़ का चित्र है आपको जो सेंटर में दे रखा है, ये क्या है, सूर्य। क्या है ये, सूर्य। तो सूर्य आपको बताओ ये पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है, सूर्य आपका पुरलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूर्य। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आपका पुरलिंग है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आकाश है, सूर्य है, सूर्य है, उदित है। ठीक है, आकाश में सूर्य उदित हो चुका है, मतलब उग गया है, मतलब उदय हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में खगा, आकाश से उड्यंती। तो खगा मतलब बहुत सारे पक्षी हैं, एक दो पक्षी नहीं है, एक से अधिक हैं। खगा आकाश है, जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं, उड्यंती मतलब उड़ते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, बाला क्रीडंती, बच्चे खेलते हैं, बाला क्रीडंती बच्चे खेलते हैं। उसके बाद में बानर वृक्षेषु कूर्दन्ति, जो बानर हैं वो, एक बानर की बात नहीं कर रहा, बानर है नहीं बोला, बानर हा। तो ठीक है, ये जो आपका हनंत होता है ये है की साउंड आती है इसमें, बानर। ठीक है, वृक्षेषु, वृक्ष पर क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं, क्या करते हैं, कूदते हैं, उछल कूद करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उदाहरणम पठित्वा प्रश्ननाम पुत्राणी लिखित आम अथवा न, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। आपको कुछ एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, उसको पढ़ना है, उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा और आपको खुद से कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ या ना, आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब होता है न। आम का मतलब क्या होता है आपका, हाँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको, करते हैं कंप्लीट। इसमें क्या, उदाहरणम किम प्रभात वेला मधुरास्ति, क्या प्रभात वेला मधुर होती है, मधुर है आम, हाँ। आम का मतलब क्या होता है आपका, हाँ। ठीक है, किम सूर्य प्रभात वेलायाम उदित भवति, क्या सूर्य सुबह प्रभात वेला में उदय होता है, हाँ आम। तो क्या है आपका, आम। ठीक है, उसके बाद में क्या है, किम प्रातः है बानरः अपि प्रसन्ना भवति, क्या प्रातः में जो आपके जो बानरः हैं, जो बंदर हैं, वो भी क्या खुश हैं, प्रसन्न हैं, आम। तो क्या आएगा, आम। ठीक है, ओके, इसके बाद में क्या है, किम बालः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बालक उद्यान में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो क्या है वह, आम। तो क्या आएगा इसमें भी आपका, आम मतलब हाँ। किम बानरः आकाशे भ्रमन्ति, क्या बानर आपके आकाश में घूमते हैं, तो ये तो आपका हो गया गलत, तो क्या आएगा, न। क्या आएगा इसमें, न। इसके बाद में किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति, क्या जो आपकी जो प्रभात वेला है, जो सुबह है आपकी, क्या वो सुखदायिनी है, सुख देने वाली है, तो क्या है, आम। तो क्या है वो, आम। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको ये पिक्चर दे रखी है, तो आपको ये देखना है कि जो नीचे जो आपको कुछ सेंटेंस दे रखे होंगे तो वो इससे मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, पिक्चर को देख के देखा, चित्रम दृष्टवा वदन्तु लिखन्तु च सत्यम असत्यम वा। ठीक है, यहाँ पे सत्य असत्य लिखना है कि ये जो आपको जो ऊपर हो रहा है, क्या जो नीचे आपके जो सेंटेंस है, क्या वो इसे सत्य है असत्य है। जैसे कि आपका सूर्य उदित अस्ति, सूर्य यहाँ पे आपको देखकर दिखाई दे रहा है कि सूर्य आपका उदय हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सत्यम। क्या है आपका, ये सत्यम। ठीक है, दूसरा क्या है, बानरः वृक्षस्य अधः सन्ति, बानर वृक्ष के नीचे हैं, अधः मतलब नीचे। तो क्या ये बानर आपके इसके नीचे है, नहीं, ये तो नीचे नहीं है, ये तो इसके पेड़ के ऊपर है। ठीक, तो ये क्या आपका, असत्यम। क्या हो गया आपका, ये असत्यम। बालकः धावन्ति, बालक दौड़ते हैं, तो क्या है इसमें, बालक दौड़ते हैं, दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या आपका, सत्यम। क्या जाएगा यहाँ पे आपका, सत्यम। ओके, सत्यम। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, पुष्पाणि सन्ति, पुष्प हैं, तो आपके पुष्प भी हैं। यहाँ पे देखो, इधर आपको पुष्प दिखाई दे रहे होंगे, इधर भी हैं पुष्प, यहाँ भी हैं पुष्प। ठीक है, तो ये क्या है आपके, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सत्यम। क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, सत्यम। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, दो
कुक्रो सते, दो कुत्ते, मतलब कुक्रो मतलब कुत्ते, यहाँ पे दो कुत्ते तो नहीं पर हाँ एक तो है, ये क्या आपका असत्य है, ठीक है ओके। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, ये पे चित्रम दृष्टवा वदन्तु आम अथवा न, चित्र को देखना है और ये हमें बताना है इसमें ये मतलब आम का हाँ और न का मतलब न, ये जो आपको जो चित्र में जो दे रखा है ना इसमें ये बताना है जो आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है क्या ये सचमुच में इस चित्र में जो दे रखा है वो है नहीं है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है चित्र में वो चीजें हैं या नहीं है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इसको, जैसे पर्वत अस्ति, पर्वत है, पर्वत है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ पर्वत है, यहाँ पे ये देखो आपको पर्वत दिखाई दे रहा हुआ ये, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आम, क्या लिख दोगे आप यहाँ पर आम, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आपका आम, ओके। नदी अस्ति, नदी है, तो नदी अस्ति, नदी है आपकी, ये रही नदी, ठीक है, तो ये क्या आपके चित्र दे रखा है, अस्ति मतलब है, ठीक है, नदी अस्ति, तो यहाँ पे क्या जाएगा आम, ओके। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, हंस अस्ति, हंस है, हंस भी है इसमें, ये दिख रहा हंस आपको, ठीक है, तो इसमें भी क्या लिख दोगे आप आम। इसके बाद में सिंह अस्ति, सिंह, सिंह है, सिंह तो नहीं है यहाँ पे, सिंह मीन्स शेर, यहाँ पे शेर नहीं है यहाँ पे, मृग अस्ति तो है यहाँ पे, मृगा है बट सिंह नहीं है। बाल अस्ति, बाल है यहाँ पे, बच्चे हैं इधर, ठीक है, तो ये बाल है, ये रहा बाल, इसमें दिखा रखा है बाल, इधर लिखा हुआ है ये बाल है, ठीक है, तो ये भी क्या लिख दोगे आप आम है, ठीक है, आम लिख दोगे यहाँ पे, आम है नहीं है आम, ओके। इसके बाद कुकर अस्ति, कुत्ते हैं यहाँ पे, कुत्ते तो नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं है, ओके। नौका अस्ति, नौका है इधर, ये आपको नौका दिखा रखी है, तो नौका अस्ति मतलब आम, ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद पत्रम अस्ति, पत्रम का मतलब होता है लीफ, पत्ते, तो ठीक है, उसको हम इंग्लिश में लीफ बोल देते हैं और संस्कृत में उसको लीफ बोलते, वो पत्रम बोलते हैं, तो ये पत्रम अस्ति आम, ठीक है, हाँ पत्ते हैं, ठीक है। उसके बाद में बालिका अस्ति, बालिका है यहाँ पर, हाँ बालिका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, वृक्ष भी है यहाँ पे, तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे चित्र दे रखा है, तो ये जो आपको जो पिक्चर्स दे रखी है इसके नाम लिख रहे हैं, ठीक है, ये उपरी दतम चित्र चित्रम दृष्टवानामानि लिखन्तु, ठीक है, इनके नाम लिखने हैं आपको, जो चित्र दे रखे हैं ना ऊपर के पे जो चित्र दे रखे हैं, तो इनके क्या लिखने हैं आपको, नाम लिखने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे चंद्र दे रखा है, ठीक है, तो ये चांद है तो इसको चंद्र है, ठीक है, चंद्र, ठीक है, चंद्र हो गया। इसके बाद में क्या है, दूसरा क्या दे रखा है आपको, खगा, ये क्या खग, पक्षी है, तो ये इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, खग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नाव दे रखी है, इसका नाव, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, नौका, क्या बोलते हैं इसको हम, नौका। और इस फूल को क्या बोलते हैं, पुष्पम, क्या बोलते हैं इसे हम, पुष्पम, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका, हंस, इसको क्या बोला जाता है, हंस, हंस, ठीक है, हंस है, ओके। इसके बाद में क्या है आपका, नेक्स्ट द्वितीय पार्ट, ओके, दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, चलो कोई नहीं, दूसरा पार्ट हम इसके बाद में शुरू करेंगे, आप इसका, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम दूसरा भी डाल देंगे इसमें, गुड, तो इस